हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, कल है जवाहरलाल नेहरू जी का पुण्यतिथि, तो उसी का बैनर आज आप लोगों को बना के देने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को अच्छा से देखना है, क्योंकि वीडियो नहीं देखोगे अच्छा से तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। और जो भी जितने भी फाइल आप लोगों को देंगे जिप फाइल में, उसका पासवर्ड भी वीडियो में आगे आप लोगों को बोल के बता देंगे, और टेक्स्ट लिख के भी दिखा देंगे आप लोगों को। दोनों चीज़ में मिल जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को बहुत ही अच्छा से देखना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन लगा देते हैं और थोड़ा बताते हैं आप लोगों को। तो इसके लिए देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जो आप लोगों को PLP फाइल देंगे, वो PLP फाइल किस तरह से पिक्सल लैब में ऐड करना है, वो भी अभी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन करते हैं। देख सकते हो दोस्तों, पिक्सल लैब एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप लोगों को भी इसको डिलीट कर देना है। तो चलिए डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों को एक PLP फाइल दे देंगे और एक टेम्पलेट दे देंगे, जो बैकग्राउंड बने बनाए होगा। तो दिखा देते हैं आप लोगों को किस तरह से होगा। चलिए हम अपने गैलरी में चलते हैं। ये देख सकते हो आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अपना फोटो लगा लेना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप लोगों को एक इंट्रो बैनर लगा लेना है। तो चलिए, ये किस तरह से लगाना है वो हम आप लोगों को अभी लगा के दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन में चलते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लेयर मिल जाएगा, यहाँ पर जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो, इसको थोड़ा इधर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो इमेज है, जो आप लोग डाउनलोड करोगे, क्योंकि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। टेम्पलेट के नाम से टेम्पलेट लिखा हुआ होगा, टेम्पलेट के बाद ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। टेम्पलेट के आगे उसी लिंक पर क्लिक करना है और ये वाले इमेज आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आएगा आप लोगों के गैलरी में। तो यहाँ सेलेक्ट करके इस तरह से ले लेना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए इम्पोर्ट पर क्लिक करते हैं और हम अपना गैलरी में से फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए गैलरी में जाते हैं और आप लोगों को फ़ोटो ले कर भी दिखाते हैं। जैसे हमारे फ़ोटो इसमें रखा हुआ है, तो चलिए हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से। देख सकते हो आप लोगों को ले लेना है। अगर आप लोगों को इस तरह से PNG बनाना नहीं आता है फोटो का, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख करके PNG बनाना सीख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको कुछ इस तरह से यहां पे लगा लेना है, देख सकते हो। आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा छोटा करके, और कुछ इस तरह से हम लगा लेते हैं। और इसके बाद आप लोगों को बैनर इंट्रो लगाना है, ठीक है दोस्तों। अगर बैनर इंट्रो बनाना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं बैनर इंट्रो किस तरह से बनाते हैं वो भी आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए हम अपना बैनर इंट्रो ले लेते हैं। फिर से यही इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो सेम प्रोसेस है। और गैलरी में जाएंगे यहाँ पे, और गैलरी में जाने के बाद हम अपना इमेज ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ले करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने जहाँ डाउनलोड करके रख रखे हैं वहाँ से ले लेते हैं, दिखाते हैं अभी आप लोगों को। ये देख सकते हो हमारे ये वाले हैं इंट्रो। हम बहुत सारे इंट्रो बना के रखते हैं। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो, इधर थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव साइज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको 100 कर देना, ठीक है दोस्तों। 100 करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो इसके बिल्कुल साइड में रिलेटिव पोजिशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हो ये बीच में आ गया। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे सबसे नीचे का जो चिन्ह लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हो इस पर हमने क्लिक कर दी, बिल्कुल क्रैक टू क्रैक अपने जगह पे आ गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोगों को बना लेना है। और यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो, दिखा देते आप लोगों को, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों को सेव इमेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे PNG है तो PNG रहने देंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट है तो यहाँ पे अल्ट्रा सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस तरह से, और सेव
टू गैलरी में क्लिक करके यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, आप लोगों के गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया टेम्पलेट की बात। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें पूरा फुल एडिट करना है ये सबको, तो आप लोगों को PLP फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। PLP फाइल में आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड होगा। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं हम, और PLP फाइल ऐड करके भी दिखाएंगे अभी आप लोगों को, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने YouTube पे चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए तो दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। ये देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे मोड का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, तो इस मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आएगा, फिर देख सकते हो आप लोगों को नीचे में यहाँ पे मोड का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और आ जाना है नीचे। तो नीचे आने के बाद देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दो लिंक मिल जाएगा, जो एक PLP जिप फाइल का होगा। दिखा देते हैं आप लोगों को, कुछ इस तरह से एक PLP जिप फाइल का ऑप्शन आएगा, PLP जिप फाइल लिखा हुआ होगा, और दूसरा ऑप्शन आएगा जो टेम्पलेट का, जो अभी हम आप लोगों को बताए थे पहले जो वीडियो में, जो किस तरह से टेम्पलेट पे आप लोगों को फोटो और इंट्रो डाल के ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो वो वाले इमेज डाउनलोड करना है तो यहाँ से हो जाएगा, और जिप PLP फाइल डाउनलोड करना है तो यहाँ से हो जाएगा, और जिप फाइल भी डाउनलोड करोगे तो इसमें दोनों हो जाएगा। PNG जो आप लोगों को हम जो भी मटेरियल यूज करेंगे उसका PNG, और वो सारे कुछ दे देंगे इसी जिप फाइल में। ठीक है दोस्तों, तो जिप फाइल डाउनलोड कैसे करना है, ये जैसे लिंक दिए होंगे तो इस पर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट पे लेके चले जाएगा। तो वेबसाइट खुलने देते हैं अभी, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे व्हाट सावित्री का आ गया है यहाँ पे, तो जो भी लेटेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, या तो अदरवाइज हम इसका लिंक ही दे देंगे आप लोगों को, जो सीधा आप लोगों को वहीं पे लेके चला जाएगा। तो अभी इसमें लिंक नहीं दिए डायरेक्ट का, इसमें वेबसाइट का लिंक दिए हैं, तो आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ही चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम खुलने देते हैं थोड़ा, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो इसी पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये व्हाट सावित्री है तो इसी पे क्लिक करना है, जो आप लोगों को जो भी फोटो दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ से भी आप लोग टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे टेम्पलेट दे देंगे हम, यहाँ से इस पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो चलिए आप लोगों को मैं PLP फाइल कैसे डाउनलोड करना है वो दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जिप फाइल लिखा हुआ है, जिप डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों को जिप फाइल के नीचे, तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, वैसे ही ये डाउनलोड करने के लिए ले जाएगा हमें। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो ये डाउनलोड होना शुरू भी हो गया, ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। देख सकते हो ये अभी डाउनलोड हो रहा है कुछ इस तरह से, तो देख सकते हो इस तरह से डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को इसको अनजिप करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अनजिप करना आप लोगों को बता देते हैं। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि जो हम फाइल डाउनलोड करके रख रखे हैं उसको अनजिप करके दिखाते हैं आप लोगों को। जब फाइल आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाना है। देख सकते हो यहाँ पे फाइल मैनेजर है, तो इस तरह से फाइल मैनेजर पे जाएंगे हम, और फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे जिप फाइल का एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे जिप फाइल, जिप लिखा हुआ, जिप आर्चिव, तो जो भी जिप फाइल होगा यहीं पे शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। जिप फाइल पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो हमारे PLP फाइल का नाम, जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो, इस बैनर का नाम है नेहरू पुण्यतिथि जिप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों का अभी फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पे आप लोगों को क्लिक करके रखना है, और देख सकते हो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी पे क्लिक करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट फाइल। और यहाँ से आप लोगों को जिस भी फाइल में सेव करना होता है, देख सकते हो यहाँ पे मेमोरी में सेट करना है तो मेमोरी में हो जाएगा, नहीं तो मोबाइल के फाइल में ही सेट करना है तो मोबाइल में। यहाँ पे जैसे डाउनलोड का ऑप्शन है, हम इसमें सेव करना चाहते हैं तो इसमें सेव कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो इसी पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करेंगे। देख सकते हो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को पासपोर्ट मांगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने पासपोर्ट लगा रखे हैं, तो पासपोर्ट आप लोगों को दिखा देते हैं। स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो कर रहा होगा, और हम भी लिख के बता देते हैं आप लोगों को। इसका पासपोर्ट है, दिखा देते हैं आप लोगों को, 27/5
23। ठीक है दोस्तों, इसका पासपोर्ट है 27/5/23, 27 तारीख 5वां महीना 2023। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अभी डालेंगे इसमें, तो ये देख सकते हो अंजीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंजीप हो गया, तो अंजीप होने के बाद देख सकते हो ये डाउनलोड वाले फाइल में हमारा आ गया है। तो डाउनलोड वाले फाइल में आने के बाद चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं जो इसको पिक्सल लैब में कैसे ऐड करना है। तो चलिए पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम 3 डॉट पे क्लिक कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को ओपन PLP फाइल। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए ओपन PLP फाइल पे क्लिक करते हैं। ओपन PLP फाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे PLP फाइल लिखा हुआ आ जाएगा। तो PLP पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, PLP पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारे कुछ इस तरह से आ गया है। तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे नेहरू पुण्यतिथि लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हो नेहरू पुण्यतिथि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू PLP फाइल आ गया है। तो यहाँ पे तो इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ओपन एंड ऐड। ठीक है दोस्तों, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये हमारे पिक्सल लैब में, इसको बैक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो ये पिक्सल लैब में ओपन हो गया। अब देख सकते हो दोस्तों इसमें आप लोगों को जो भी चीज़ चेंज करना है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को दिखा देते हैं, सभी को हमने लॉक करके रख रखे हैं, तो ये आप लोगों में भी खुलेगा तो लॉक ही रहेगा। तो आप लोगों को अनलॉक करना है तो दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे इसमें फ़ोटो चेंज करना है तो फोटो भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को ये देख सकते हो ये हमारा फ़ोटो लगा हुआ है, तो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं ये इस तरह से। अगर आप लोगों को चाहते हो कुछ भी दिक्कत ना हो, फ़ोटो चेंज करना है इसमें, तो फ़ोटो चेंज कर सकते हो। फ़ोटो चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे फ़ोटो के ऊपर, और यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा रीसिलेक्टेड। ठीक है दोस्तों, तो रीसिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को फ़ोटो अपना गैलरी में ले जाएगा, जो भी आप लोगों का फ़ोटो होगा। जैसे देख सकते हो ये कुछ इस तरह से, तो ये देख सकते हो ये जो हम इंट्रो लगाए हैं उसके बैक साइड में ही नीचे ही गया हुआ है। तो ये आप लोगों को दिक्कत नहीं करेगा, इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को बैक कर देते हैं और यहाँ पे इसको रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को अगर ये इंट्रो सिलेक्ट करना है दूसरा, तो देख सकते हो ये इंट्रो को हमने अनलॉक कर दिए। अनलॉक करने के बाद इस पर भी सेम प्रोसेस, रीसिलेक्ट पर क्लिक करके आप लोगों को गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में आप लोग का भी इंट्रो बना के रहे होंगे वो लग जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए इंट्रो नहीं है, नई इंट्रो बनना आता है, तो आप लोगों को मैं डिलीट करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है सेव के ऑप्शन पे। देख सकते हो कुछ इस तरह से, तो ये सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव ले लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से, और आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसको पूरा प्रॉपर साइज में सिलेक्ट करके यहाँ से लगा के, और इसका कलर दे देना है आप लोगों को, चाहे जो भी कलर देना हो। जैसे देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरह से कलर दे देना है और इसको इसके आगे लगा देना है कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और इसको आप लोग प्रॉपर सेट कर लेना, मैं सेट करके दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ये वाले ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट ले लेना है, जो भी आप लोगों का नाम होगा वो इस पर सिलेक्ट करके अपना नाम लिख के और यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम भी, एड्रेस, जो भी आप लोगों को मोबाइल नंबर जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को और भी जैसे कुछ चेंज करना है तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। चलिए हम बैक करते हैं इसको। देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे आ गया फिर से। तो चलिए अब आप लोगों को जैसे इसको हम लॉक कर देते हैं, और आप लोगों को कुछ भी चेंज करना है तो इसमें देख सकते हो, जैसे ये है इस पे नाम लिखना है तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू है, तो आप लोगों को जो ठीक लगे वो कर सकते हो। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी कलर आप लोगों को ठीक लगता हो वो कलर आप लोग रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने आप लोगों को सारे कुछ जानकारी दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। देख सकते हो इस तरह से, जो भी कलर आप लोगों को ठीक लगे वो कलर रख लेना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।